एक बार फिर दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर दुनिया के कई देशों में तेजी के साथ फैल रहे हैं। संक्रमण को बढ़ावा देने में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भी अहम भूमिका है। दक्षिण कोरिया, फ्रांस, चीन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया भर के 13 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 3,569 लोगों की मौत हो गई। वहीं चीन में रविवार को करीब 3100 मामले सामने आए, जो बीते 2 साल में सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके चलते चीन के शेंजेन में लॉकडाउन लगा दिया गया। इसी के साथ शेंजेन में रहने वाले 1,07,00,000 लोग घरों में कैद हो गए। शंघाई में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया। दुनिया में कोरोना के 6 करोड़ एक्टिव केस। दुनिया में कोरोना केस से संक्रमण के नए मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस के 45,85,00,000 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 39.16 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मामले 6,08,000 हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से 60,06,000 लोगों की जान जा चुकी है। चीन में कोरोना से 2 साल में सबसे बुरे हालात। चीन में एक दिन में 3400 केस मिले। चीन के शहरों में लॉकडाउन लगा। शेंजेन प्रांत के 1.7 करोड़ लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। शंघाई के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मेट्रो और बस सर्विस भी बंद कर दी गई। मॉल रेस्टोरेंट को भी बंद किया गया। चीन में एक बार फिर कोरोना के केस तेजी के साथ मिलने लगे हैं। शेंजेन में एक दिन में 66 केस मिलने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके पहले शुक्रवार को चांगचून में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इसके अलावा शाडोंग के युचेंग में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया। दरअसल चीन में 2019 में कोरोना का पहला केस मिला। इसके बाद से चीन कड़ाई से जीरो कोविड पॉलिसी का पालन कर रहा है। इसके तहत किसी क्षेत्र में केस आने पर लॉकडाउन, कई यात्रा प्रतिबंध और बड़े स्तर पर टेस्टिंग जैसे कदम उठाए जाते हैं। ओमिक्रॉन के चलते बढ़ रहे केस। चीन में अधिकारियों का कहना है कि ओमिक्रॉन के चलते केस बढ़ रहे हैं। चीन में केस बढ़ने के चलते लाखों लोगों को लॉकडाउन के तहत घरों में कैद होना पड़ रहा है। 1,70,000 आबादी वाले शेंजेन में सोमवार सभी शहरों गांव में लॉकडाउन लगा दिया गया। शेंजेन में मेट्रो और बस सर्विस बंद कर दी गई। शंघाई में स्कूल, बिजनेस और मॉल रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। हांगकांग में बिगड़ रहे हालात। हांगकांग में भी हालात बिगड़ रहे हैं। रविवार को 27,647 नए मामले सामने आए। 87 लोगों की जान चली गई। हांगकांग में वुहान के बाद सबसे बुरी स्थिति मानी जा रही है। बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन की हेल्थ कमीशन ने रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए। क्लिनिक में साधारण लोगों की जांच के लिए सेल्फ टेस्टिंग किट्स उपलब्ध कराए गए हैं। चीन ने 90,00,000 की आबादी वाले शहर को सील किया। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बाद चीन ने 90,00,000 की आबादी वाले चांगचून शहर को पूरी तरह से बंद कर दिया। प्रशासन ने शुक्रवार को शहर में लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए लोगों को घर में रहना होगा। 3 दौर की सामूहिक टेस्टिंग की जाएगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापार बंद रहेंगे। परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस दक्षिण कोरिया में मिले। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस दक्षिण कोरिया में मिले हैं। 3,50,176 कोरोना के नए मामले। इसके बाद जर्मनी में 2,13,264, वियतनाम में 1,66,968, फ्रांस में 60,422, इटली में 48,886 और रूस में 44,989 केस मिले हैं। रूस में 596 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा रूस में जान गई है। 596 लोगों की जान गई। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में 251 लोगों की मौत। इंडोनेशिया में 215 लोग। मैक्सिको में 203 लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारत में क्या है कोरोना के हालात। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2,503 मामले सामने आए। 4,370 लोग ठीक हुए, जबकि 27 लोगों की जान चली गई। देश में एक्टिव केस 36,168 रह गए हैं। वहीं 680 दिन में कोरोना के केस भी सबसे कम मिले हैं। भारत के सभी राज्यों में सार्वजनिक सेवाएं, परिवहन, बाजार, स्कूल, कॉलेज सब खुल चुके हैं। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन और डेल्टा का रिकॉम्बिनेट वायरस फैल रहा है। इनका प्रसार तेजी के साथ हो सकता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और ज्यादा अहम हो जाता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।